नमस्कार, टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रनौत और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। बिलासपुर में बड़ा सड़क हादसा, 500 फीट नीचे खाई में गिरी कार, युवती समेत तीन की मौत। नेशनल हाईवे चंडीगढ़ मनाली पर शनिवार सुबह स्वारघाट के समीप धारकांक्षी में सुबह 4:30 बजे एक दिल्ली नंबर की कार गहरी खाई में गिर गई। हादसे में कार DL3 CCT 5269 सवार तीनों लोगों की मौत हो गई है। मृतकों की पहचान सचिन और उसका दोस्त पिंटू व खुची के तौर पर हुई है। सभी नोएडा दिल्ली निवासी बताए जा रहे हैं। घटनास्थल पर ही तीनों ने दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि कार अनियंत्रित होकर सड़क से लुढ़क कर करीब 500 फीट नीचे गहरी खाई में जागरी। घटना की सूचना मिलते ही स्वारघाट थाना के पुलिस प्रभारी राजेश वर्मा, उनकी टीम के ASI मंसूराम हवलदार रिम्पी और NDRF स्वारघाट की टीम को गहरी खाई से शव निकालने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। धर्मशाला में फिर तैयार होंगी एथलीट, एथलेटिक्स शुरू करने की मिली मंजूरी। भारतीय खेल प्राधिकरण के धर्मशाला स्थित नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में इसी साल एथलेटिक्स खेल शुरू होगा। भारतीय खेल मंत्रालय ने इसको लेकर मंजूरी दे दी है। इसके चलते 30 एथलेटिक्स खिलाड़ियों के लिए प्रवेश का रास्ता खुल गया है। 30 सीटों में 20 आवासीय और 10 नॉन आवासीय सीटें होंगी। पिछले साल अक्टूबर में भारतीय खेल प्राधिकरण की ओर से सेंटर के एथलेटिक्स के लिए नॉन आवासीय कर दिया गया था। स्कूल शिक्षा बोर्ड ने घोषित किया डीएलएड प्रवेश परीक्षा का परिणाम। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से जून माह में आयोजित की गई डीएलएड CET 2023-25 के प्रवेश परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। इस परीक्षा के लिए 13,210 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जिनमें से 12,009 अभ्यर्थियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई थी, जबकि 1201 अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा के दौरान अनुपस्थित रहे थे। शिक्षा बोर्ड ने 2505 अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया है। जानकारी के अनुसार हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने डीएलएड CET 2023-25 के प्रवेश परीक्षा का आयोजन 10 जून को प्रदेश भर में स्थापित 89 परीक्षा केंद्रों में किया था। चंबा में अदालत ने सुनाया कड़ा फैसला, दुष्कर्मी को 10 साल की सजा, 1,00,000 जुर्माना। विशेष जज चंबा PR पहाड़िया की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपित को पॉक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास और 1,00,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि न अदा करने की सूरत में दोषी को 1 वर्ष की अतिरिक्त कारावास भोगना पड़ेगा। अदालत ने आरोपित को भांडस की धारा 506 के तहत भी दोषी करार देते हुए 2 वर्ष के कठोर कारावास व 10,000 रुपए जुर्माना लगाया है। सिरमौर जिले के पाउटा साहिब में प्रवासी मजदूर की हत्या, आरोपी गिरफ्तार। सिरमौर जिले के पाउटा साहिब में बिहार निवासी 45 वर्षीय व्यक्ति की हत्या का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि देर रात आइसक्रीम बेचने वाले के साथ किसी बात को लेकर मारपीट हुई थी। घायल को उपचार के लिए सिविल अस्पताल पहुंचाया गया था। उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। मृतक की पहचान मनोरंजन ठाकुर पुत्र बालेश्वर निवासी देवी बरेटा पोस्ट ऑफिस सेमापुर थाना बरारी जिला कटिहार बिहार के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। HPU ने जारी नहीं की BEd की श्रेणीवार मेरिट, SPU ने जारी कर दिया काउंसलिंग का शेड्यूल। सरदार पटेल विश्वविद्यालय ने BEd की काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया है। हालांकि HPU ने अभी तक BEd की प्रवेश परीक्षा परिणाम के बाद शनिवार मेरिट सूची जारी नहीं की है। वहीं BEd में प्रवेश के लिए न्यायालयिक आदेशों पर लागू किए जाने वाले आरक्षण रोस्टर पर भी प्रदेश सरकार का कोई फैसला नहीं आया है। बिना मेरिट और बिना रोस्टर के SPU की ओर से काउंसलिंग शेड्यूल जारी करने से प्रवेश परीक्षा में अपीयर हुए 20,000 से अधिक छात्र परेशान हैं। उन्हें यही समझ नहीं आ रहा कि दोनों विश्वविद्यालयों से संबंध BEd कॉलेजों के लिए वे कैसे आवेदन कर पाएंगे। दोनों VV के लिए HPU की ओर से BEd की संयुक्त प्रवेश परीक्षा ली गई थी। ऐसे में काउंसलिंग का शेड्यूल भी मिलकर चर्चा करने के बाद जारी करना चाहिए था। हिमाचल के किसानों का इंतजार खत्म, 2-3 दिन में मिलेगी यूरिया खाद। हिमाचल प्रदेश में यूरिया के संकट के बीच राहत भरी खबर है। 2-3 दिन के भीतर खाद का संकट दूर हो जाएगा। इस समय बागवानी के साथ साथ खरीफ की फसलों को खाद की सख्त जरूरत है। पिछले 1 माह से किसानों को खाद का इंतजार है। पंजाब के नंगल स्थित NFL से सिरमौर सहित प्रदेश के अन्य जिलों को जल्द खाद की खेप पहुंचेगी। हालांकि ये नहीं कहा जा सकता कि हिमफेड को मांग के अनुसार कितनी मात्रा में खाद उपलब्ध होगी, लेकिन प्लांट के सुचारू होने से कुछ हद तक इस संकट से निजात मिलने की संभावना है। हिमफेड ने संबंधित कंपनियों को 9,922 मीट्रिक टन खाद की डिमांड भेजी है। सिरमौर में 1,800 मीट्रिक टन खाद की आवश्यकता है।
रोहडू में बादल फटने से तीन लोगों के दबने की आशंका, घरों में घुसा मलबा, देर रात हुआ हादसा। रोहडू के लल्ला में बादल फटने से भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। देर रात बादल फटने का मामला सामने आया है, इसके बाद इस गांव में चारों ओर तबाही ही तबाही दिख रही है। अभी प्रशासन और पुलिस की टीम यहां पर नुकसान के आकलन के लिए नहीं पहुंची है। स्थानीय लोग कर रहे हैं एक दूसरे की मदद, स्थानीय स्तर पर ही लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। प्रशासन के पहुंचने के बाद ही साफ हो पाएगा कि कुल कितना नुकसान यहां पर हुआ है, कितने लोगों की जान यहां पर गई है। बता दें कि रोडों में पहले भी एक बादल फटने के कारण भारी नुकसान हुआ था। आईजीएमसी शिमला में स्क्रब टाइफस के नए तीन मामले, डॉक्टर हुए सतर्क। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला में स्क्रब टाइफस के मामले आना शुरू हो गए हैं। अस्पताल में शुक्रवार को तीन मरीजों की टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अस्पताल में एक दिन में एक साथ एकाएक तीन मामले आने के बाद डॉक्टर सतर्क हो गए हैं। फिलहाल स्क्रब टाइफस के तीनों मरीजों को चिकित्सकों की निगरानी में रखा गया है। बरसात के मौसम में स्क्रब टाइफस के मामले ज्यादा आते हैं। आईजीएमसी के मेडिसिन विभाग के विशेषज्ञ चिकित्सकों का कहना है कि ये रोग एक जीवाणु रिकेटेश संक्रमित पिस्सू के काटने से होता है, जो खेतों, झाड़ियों और घास में रहने वाले चूहों में पनपता है। बाइक बस से टकराई, दो युवक गंभीर घायल। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर पंडोह के साथ लगते सियोगी में बीबीएमबी के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के पास एक तेज रफ्तार बाइक बस से टकरा गई। इस हादसे में बाइक सवार दोनों युवकों को गंभीर चोटें आई हैं और उन्हें उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज ने चौक में भर्ती करवाया गया है। जानकारी के अनुसार कुल्लू से मंडी जा रही निजी बस के साथ मंडी से पंडोह की तरफ जा रही बाइक की भिड़त हो गई। इस हादसे में बाइक चालक अनिल पुत्र भीम सिंह निवासी गाँव त्रियामला और सवार रोहनपुल धर्मपाल निवासी पंडोह को गंभीर चोटें आई हैं। इन्हें सबसे पहले जोरल अस्पताल मेडिकल कॉलेज ने चौक रेफर कर दिया गया है। वहीं पुलिस ने बाइक सवार के खिलाफ तेज रफ्तार से वाहन चलाने को लेकर मामला दर्ज करके कार्यवाही शुरू कर दी है। सदर थाना प्रभारी सकीनी कपूर ने मामले की पुष्टि की है। जुलाई में पहली बार सामान्य से 115% अधिक बारिश, कई रिकॉर्ड टूटे। हिमाचल प्रदेश में पहली बार जुलाई में बादल झमाझम बरस रहे हैं। 1 से 21 जुलाई तक प्रदेश में अभी तक सामान्य से 115% अधिक बारिश हो चुकी है। कुल्लू, किन्नौर, शिमला, सोलन, सिरमौर में भारी बारिश दर्ज हुई है। बीते 19 वर्षों में 16 बार जुलाई में सामान्य से कम बरसात हुई है। सिर्फ 3 बार वर्ष 2005, 2021 और 2022 में सामान्य से अधिक बारिश हुई है। इस दौरान सामान्य से सिर्फ 4 से 7% अधिक बादल बरसे हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार बीते कई वर्षों के दौरान जुलाई के पूरे माह में इतनी बारिश नहीं हुई है जितनी इस बार 21 जुलाई तक हो गई है।